Today we're starting a new topic, basic mechanism involved in inflammation and in process of inflammation and repair. ठीक है, तो देखिए basic mechanism involved in inflammation में हमको क्या पढ़ना है, पूरा inflammation के बारे में पढ़ना है. टाइप ऑफ inflammation acute होता है जो कि short period of time के लिए होता है, chronic जो होता है वो long period of time के लिए होता है. ठीक है, pathophysiology पढ़ना है, diagnose और treatment. ठीक है, और mechanism पढ़ना है. ठीक है, तो first of all the coordinated series of common effect mechanism of inflammation contribute to tissue injury, oxidative stress, remolding of the extracellular matrix, angiogenesis and fibrosis in diverse target tissue. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है कोई भी नई टिश्यू इंजरी होती है या फिर स्ट्रेस के थ्रू हमारे क्या होता है, एंजियोजेनेसिस. ठीक है, एंजियोजेनेसिस मतलब क्या होता है, एंजियोजेनेसिस मतलब कि ट्यूमर मास. ठीक है, इस टाइप की यदि कोई हमको सिम्टम दिख रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लामेट मतलब कि स्वेल हो रहा है या फिर टिश्यू इंजरी हो रही है, फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है. ठीक है, टिश्यू इंजरी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड रिमोल्डिंग ऑफ द मैट्रिक्स, एंजियोजेनेसिस, ट्यूमर मास फॉर्मेशन, फाइब्रोसिस इन डाइवर्स टारगेट टिश्यू. ठीक है, एंड द आर्थरोस्क्लेरोसिस प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ क्रॉनिक डिसीज दैट इन्वॉल्व इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म. ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो एक डिसीज है जो कि क्रॉनिक डिसीज होती है इन्फ्लामेशन की. ठीक है, तो यदि आपको इन्फ्लामेशन होता है तो आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस डिसीज भी हो सकती है. ठीक है, अब टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन में आप आ जाइए, एक्यूट मैंने आपको बताया दिया अकर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, रिजॉल्व कर सकते हैं हम बाकी से ट्रीटमेंट करके टू एंड वीक और लेस. ठीक है, टू एंड थ्री वीक में, बट क्रॉनिक में क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग सीवियर हो जाती है कंडीशन और हम उसको ट्रीट करते हैं 6 वीक्स में. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में आ जाइए, पैथोफिजियोलॉजी में ये बोला है द इनिशियल इन्फ्लेमेशन कंसिस्ट ऑफ द टू फेज, एक्यूट एंड क्रॉनिक. ठीक है, द एक्यूट फेज टिपिकली लास्ट फॉर शॉर्ट इट ऑफन सेवरल ड्यूरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द फाइव करेक्टर्स क्लिनिक साइन, हार्ट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन. ठीक है, ये किस में आते हैं, देखो दो फेज होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक. एक्यूट में आपको दिख रहा होगा क्या कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, रेडनेस होगा, नॉर्मल स्वेलिंग होगी, नॉर्मल फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, बाकी हम इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बट क्रॉनिक में सीवियर कंडीशन बन जाती है, मतलब टिश्यू डैमेज हो जाता है या रप्चर हो जाता है. ठीक है, जिससे कि हम उसको ठीक करने में, रीमोल्ड करने में या रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा 6 वीक समथिंग की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, यहाँ आपको यही बता रहे हैं. ठीक है, ठीक है, इसके बाद साइन एंड सिम्टम में आइए. साइन एंड पेन, रेड, एक्यूट का क्रॉनिक का अलग अलग बताया, पेन, रेडनेस और स्वेलिंग होगा जो कि एक्यूट में आएगा, नॉर्मल. क्रॉनिक में आएगा फीवर, रैश, जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, फटीग, ये बड़े बड़े एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल मतलब पेट में दर्द, तो ये इस टाइप के बड़े बड़े जो कंडीशन है वो क्रॉनिक में आएंगे. ठीक है, कॉज अब देखिए आप कौन कौन से कॉज हो सकते हैं आपको. ठीक है, डर्मेटाइटिस मतलब होता है स्किन, अक्यूट अपेंडाइटिस. ठीक है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, एग्जांपल ऑफ डिसीज कंडीशन एंड सिचुएशन डेट कैन रिजल्ट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन इंक्लूड एक्यूट ब्रोंकाइटिस. ठीक है, इन्फेक्टेड इनग्रोन, कोल्ड. ठीक है, एक्यूट अपेंडाइटिस, डिसाइटिस, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली जो आपको देखने को मिलेंगे एक्यूट कंडीशन में. ठीक है, डायग्नोस कैसे करेंगे, देखो ESR, इट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कैलकुलेट करेंगे, ब्लड विस्कोसिटी, सीरम प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन. सी रिएक्टिव प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि ब्लड से कैसे काउंट करते हैं. ठीक है, मैं ये चीज़ आपको क्लास में भी बताई थी, सी रिएक्टिव प्रोटीन को ब्लड टेस्ट पर कैसे काउंट करते हैं. देयर आर अ फ्यू सो कॉल्ड मार्क्स दैट हैव डायग्नोस इन्फ्लामेशन इन द बॉडी. However, the markers of are non-specific, meaning the abnormal level can show that something is wrong, but not what is wrong. ठीक है, तो कुल मिला के ब्लड से सी रिएक्टिव प्रोटीन को हम डायग्नोस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, प्लाज्मा की विस्कोसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि वो विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंट टू फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड. ठीक है, तो प्लाज्मा में कितनी विस्कोसिटी है हम उसको भी चेक कर सकते हैं ब्लड से. ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन को भी, अमाउंट को भी चेक कर सकते हैं. ESR मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, कितना वो सेडिमेंट हो रहा है, मतलब कहना चाहिए सेडिमेंट कितना हो रहा है. ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स तो वो भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, सेडिमेंट मतलब सेडिमेंटेशन मतलब बैठना. ठीक है,
तली में। तो सेडिमेंटेशन का एक्चुअल मीनिंग यही है कि एक तो सेडिमेंटेशन रेट ESR को भी हम किससे डिटेक्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट से, ठीक है। तो ये आपको इस मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले क्या होता है, एक मैकेनिज्म में देख लीजिए, मेंशन ईयरलियर द आर्टिकल इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस समटाइम रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन इन हेल्पफुल थॉट और नॉट ऑलवे नेसेसरी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, ठीक है। देखो अब मैकेनिज्म तो पढ़ लिए कि सेल इंजरी होती है, टिश्यू इंजरी होती है, स्ट्रेस और चेस्ट पेन होता है जिससे कि स्वेलिंग होती है या फिर इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। इन सब प्रोसेस में इन्फ्लामेशन, बट इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, जिसमें आता है NSAIDs, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग टू कॉज बाय इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यही सारे ड्रग्स के नेम लिखे हुए हैं। इसके बाद आप आ जाइए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रेंज ऑफ कंडीशन इंक्लूडेड, ठीक है, अस्थमा, हेपेटाइटिस, सिस्टमिक लम्प्स, इन्फेक्शन, अर्थराइटिस, ठीक है, ये सब हो सकता है। मेनली आप आयुर्वेदिक भी यूज़ कर सकते हैं, जिंजर, ठीक है, नॉर्मली आप जिंजर घर पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के डिस्पेशिया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है तब भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और हाइपो इस प्रकार से, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हमको इसमें क्या पढ़ने पाते हैं, न्यू जनरेशन की जो ड्रग्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। टर्मरिक भी हम यूज़ करते हैं घर में, इन्फ्लेमेशन डाइट, कौन कौन सी, सेवरल फूड कैन हैव बीन सो टू हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, कौन कौन सी डाइट है जिससे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाए, तो ऑलिव ऑयल, टोमेटो, ठीक है, एलिमेंट्स, ग्रीन इंक्लूडिंग केल, फैटी फिश, ठीक है, अवॉइड ईटिंग फूड एंड ईटिंग फूड दैट एग्रीग्रेटिव, ठीक है, जो एक्यूमलेट होते हैं उनको नहीं लेना है, एग्रीग्रेट होते हैं जो, ठीक है। सोडा, सोडा ड्रिंक भी ले सकते हैं, रेड मीट, ठीक है, ये सब होते हैं जो ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इन्फ्लामेशन,